नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाह देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार न्यायिक परीक्षा 2022 में शहर की बेटी राखी ने अपना परचम लहराया है। जिला का और अपने कॉलेज का भी इन्होंने जो है नाम रोशन किया है। इनको जो है आज रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज के द्वारा जो है आज सम्मानित भी किया गया है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, पहले एग्जाम निकाले हैं, अभी सम्मानित किया गया है, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी लग रही है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ जी। कैसे पढ़ाई वगैरह किए थे, क्या कुछ किए थे, थोड़ा बताइए उसको। ये न्यायिक सेवा का परीक्षा जो होता है काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि ये 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है और आपको अथक प्रयास करना पड़ता है, लगातार बने रहना पड़ता है। और जब भी आप कमज़ोर पड़ते हैं, तो जब आपके गुरुजन होते हैं, जो आपके इष्ट मित्र होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिलता है और वो आपका हमेशा मनोबल बढ़ाते रहते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। और इसी के दौरान में मेरा यह 3रा क्रम था और इसमें मेरा चयन हो पाया है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जो पढ़ाई करने वाले छात्र होते हैं, कहीं ना कहीं जब उनको सफलता नहीं मिलता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपना रास्ता ही चेंज कर देते हैं, उनको क्या कुछ सीख देना चाहिएगा? बिल्कुल, मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि ये 3री बार मेरा हुआ है, पहली बार में तो नहीं आया, तो 2 बार मैं भी असफल हुई हूँ। लेकिन इस दौरान मेरा परिवार काफ़ी मुझे मोटिवेट करता रहा, बोलता रहा कि ठीक है, इस बार नहीं अगली बार। गुरुजन का भी सहयोग रहा है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार। और फिर इस सहयोग से मैं इस मुकाम पे प्राप्त कर सकी हूँ। अच्छा, सफलता पाने के बाद लोग बताते हैं कि हमने इतनी देर पढ़ाई की, 8 घंटा पढ़ते थे, 10 घंटा पढ़ते थे, क्या कुछ करते तो जो सफलता मिली है? 8 घंटा और 10 घंटा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि यदि आप 2 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय आपका पूरा दिमाग पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। घंटा गिन के पढ़ाई नहीं होती है, ये मेरा अपना मानना है, हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरा है कि आप यदि 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। और मैंने यही कहा, मैंने कभी घंटों में पढ़ाई नहीं किया है, मैं लगातार रही हूँ 2014 से लगातार पढ़ाई कर रही हूँ, पर घंटों में पढ़ाई को बांध के नहीं किया कभी। अच्छा, जो बच्चे लॉ में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, लॉ में अपना करियर देखना है, वो क्या कुछ करें जो उनको सफलता मिले? ये एक ऐसा, मैंने पहले भी बताया है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें काफ़ी मेहनत और पेशेंस की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें वैकेंसियां जो आती हैं 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद आती है, ये प्रत्येक साल वैकेंसी नहीं आती, कभी कभी तो 5-5 साल तक वेट करना पड़ता है। हम लोग तो सौभाग्यशाली है कि हमें APO और जे का हमेशा देने का मौका मिला है, लेकिन मुझे पता है कि हमारे जो सीनियर्स लोग थे उनको 10-10 साल 5-5 साल के बाद वैकेंसी मिलती थी। तो इसके लिए आपको अपना पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे मान लीजिए जब सफलता जब मिलती है तो उसके पीछे सबका हाथ रहता है, किसी एक आदमी की वजह से सफलता नहीं मिलती, आपको कहाँ से मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? मुझे मोटिवेशन, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो मुझे अपने घर से ही मिलता था, उसके बाद गुरुजनों का मिलता था, जिनके इस कॉलेज से मिलता था, और जहाँ भी जो सीनियर्स थे उनसे गाइडलाइन मिलता था। सबसे ज़्यादा सहयोग किनका रहा है? सभी का सहयोग रहा है, माता पिता गुरुजन सभी का सहयोग रहा है। क्या नाम हुआ अभी, अब क्या बनिएगा, जज बन गए हैं आप, सेवा कीजिएगा, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? राखी कुमारी। कितना रैंक है आपका? 44th। देखिए, कॉलेज के हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहिएगा, कॉलेज की छात्रा है और नाम रोशन कर रही है? जी, कॉलेज के लिए काफ़ी गर्व का बात है, काफ़ी गर्व का विषय है कि इस कॉलेज से पढ़ी हुई छात्रा, और चूंकि ये बहुत ओल्ड स्टूडेंट रही हैं हमारे कॉलेज की, और उसके बाद आज के डेट में ये सफलता प्राप्त कर रही हैं, तो इनके भी पेशेंस का काफ़ी तारीफ किया जाना चाहिए कि आज तक ये पेशेंसफुली रह करके और अपने आप को एक संयमित रह करके लगातार तैयारी किए और सफलता प्राप्त करके ही दम लिए। अच्छा, आज इनको सम्मानित भी किया गया? आज हमने इनको सम्मानित किया है, इसलिए एक प्रकार का कार्यक्रम हमने रखा था, ताकि जो आगे वाला जो बैच है, वो लड़के भी यहाँ आए थे सारे लोग, इनसे इंस्पायर्ड हो सकें कि ये एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में, जिस इंस्टीट्यूशन को लोग छोटा इंस्टीट्यूशन कहता है, उस लेवल के इंस्टीट्यूशन से शिक्षा प्राप्त करके आज ये बहुत ऊँचे पद पर गई हैं। ठीक है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को रखा था, ताकि वो भी इंस्पायर्ड हों और इनकी तरह मेहनत करें। जो बच्चे लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, इसी फील्ड में अपना करियर आजमाना चाहते हैं, उनको क्या कुछ मतलब संदेश देना चाहिए? उनको ये उनको जो है सो एक स्ट्रेटजी बना करके नियमित रूप से स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि आज 2 घंटे पढ़ लिए फिर कल नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का जो स्ट्रेटजी है वह घंटा में नहीं, जैसा कि आपको राखी जी ने कहा कि घंटा में नहीं बांटा जा सकता, आपकी क्या क्षमता है, आप कितना देर बैठ सकते हैं, कितना देर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है।
और आप जितना अपने आप को संयमित रख करके एकाग्रचित होकर के आप पढ़ेंगे, सफलता निश्चित रूप से आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, यही हमारा ये आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा मार्गदर्शन है कि आप निरंतर एकाग्रचित होकर के और पढ़ाई करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे साथ जो हैं प्रिंसिपल सर भी मौजूद थे और हमारे साथ ये मुजफ्फरपुर ज़िला का जो नाम इन्होंने रोशन किया है जज बनकर, से ज़िला भी काफ़ी जो है, ज़िला का नाम इन्होंने जो है मान बढ़ाया है ज़िला का। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाओ। ये एशियन पेंट्स का GX19, इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बाईस कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदे सबसे शुद्ध और सबसे किफायती दाम पे। हम हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स, पुरानी बाजार नियर SBI ATM मुजफ्फरपुर। एक मौका हमें भी दें।